जी, मेरा नाम हैदर सैफुल्ला है। मैं यहाँ का कल्चरल एजुकेशन सेंटर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रामा क्लब का जो अभी विवाद चल रहा है, जो लाहौर देखिया वाला जो नाटक था, उस पर बेसिकली ये जो नाटक है वो एक अवार्ड विनिंग नाटक है, ड्रामा है, जो दिल्ली में और कई यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म किया जा रहा है। इस नाटक में जो अभी बवाल हुआ है वो एक पॉलिटिकल तूल पकड़ा दिया गया था। बेसिकली ये हुआ था, मैं भी उन लोग के साथ मौजूद था। उन्होंने बताया कि जो नक्शे पे विवाद हुआ है वो एक्चुअली उनसे कहा गया था कि आप गूगल पे सर्च करिए। उन लोगों ने सर्च किया अनडिवाइडेड इंडिया मैप्स हाई मेगापिक्सल्स, तो उन्होंने वो डाला तो वो सबसे पहले वो मैप आया। तो ना तो वो हिस्टोरिकली इतने परफेक्ट थे, ना उस एडिटर को इतना पता था, तो उन्होंने बिना देखे जाचे ही वो फ़ोटो जो है उसमें नक्शे का डाल दिया। उनको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा बवाल होगा और ये होगा। तो ये मैप जो है किसी कोई देशद्रोह और ये किसी प्रकार की साजिश नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं और ड्रामा क्लब जो है यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट क्लब है, और अभी नॉर्थ जोन कंपटीशन जीता और नेशनल कंपटीशन जीत के आए। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में ड्रामा क्लब और जितने भी क्लब से सब यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, जो भी यहाँ पर एक नाटक होना था जिसमें लाहौर निवेक्या जो कि यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब की तरफ से था, तो उसके जो पोस्टर्स कैंपस में लगाए गए थे, तो उन पोस्टर्स पर मानचित्र में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ थी, गलतियाँ थी। जैसे नॉर्थ ईस्ट का उसमें पार्ट नहीं दिखाया था, कश्मीर का कुछ हिस्सा उसमें गायब था। तो ये गलत है कि किसी भी देश का मानचित्र जब उस देश के एक यूनिवर्सिटी में दिखाया जाए, पोस्टर पर लगाया जाए किसी भी ड्रामा के, तो वो गलत हो। अब ये हो सकता है गलती बस हो या फिर आरतन हो, जो भी हो ये जाँच का विषय है और आगे इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये कि जब इसे संज्ञान में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लाया गया, उन्होंने तुरंत इसे संज्ञान में लिया, इस पर कार्रवाई करी और यहाँ तक कि ये नाटक ही पूरा कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये इसके कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई के तहत उसको नाटक को कैंसिल कर दिया गया। देश का अधूरा नक्शा लगाना एक देशद्रोह? नहीं सर, देशद्रोह तो नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक इलीगल चला जाता है या फिर कानून से परे है। देशद्रोह से सीधे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि गलत जाता है कि इस तरह का नक्शा लगाया गया मैसेज। अगर हम देखें तो आज क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो हर समय कैंपस में निगाह अपनी अब गड़ाई हुई हैं, तो वो मैसेज को गलत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ये गलती भी हो सकती है, या अगर है तो हम इसमें तारीफ की बात ये की है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जब संज्ञान में ये चीज़ आई तो उन्होंने तुरंत इसको अपने संज्ञान में लिया और तुरंत उस पर एक्शन करते हुए पोस्टर्स पूरे कैंपस से हटवाए गए और यहाँ तक कि प्ले भी जो है कैंसिल कर दिया गया। और जैसे कि अभी पता चल रहा है कि शायद उसमें आगे की कार्रवाई के तहत कुछ उस पर आगे कार्रवाई उन स्टूडेंट्स और जो क्लब के प्रेसिडेंट हैं उन पर कार्रवाई की बात चल रही है। देखिए, बस यही है कि सबसे पहले टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, बहरहाल मगर ऐसा कुछ नहीं है। एएमयू हमेशा देश के साथ है और देश के नक्शा, देश के जो जोग्राफिकल एरिया है उन सबको हमेशा तरजीह, उसमें कोई भी चेंजिंग करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। और बस हो सकता है कि टेक्निकल एक इशू रहा हो, बहरहाल बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि जैसे पर्टिकुलर हटाया गया हो, इंटेंशन के साथ हटाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलती से लग गया होगा? हाँ, हो सकता है, मैंने यही कहा कि हो सकता है। देखिए, यूनिवर्सिटी अपने लेवल से काम कर रही है और निश्चित ही छात्र जो है बेगुनाह साबित होंगे, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि टेक्निकल ही फॉल्ट होगा। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा जो है जो इंडिया के साथ ज्योग्राफिकल एरिया में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना किया है और ना करेगी, ना करता है। आप क्या कहेंगे? जी भाई, मतलब अब जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, उसको मानते हैं, लेकिन इसका यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और हालांकि अगर होता है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ अगर यूनिवर्सिटी का होता है तो उसके बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन गलती से इस तरह की हमेशा एएमयू विवादों में रहता है। यूनिवर्सिटी का विवादों का मतलब ये रहता है कि देखो, हालांकि आउटसाइडर एरिया मतलब जो भी रहता है अगर, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं। यूनिवर्सिटी का वकार जो पहले था और आज भी वही